गुजरात के सूरत के सैयदपुरा मोहल्ले में 8 सितंबर की रात गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तरफ जहां पथराव करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई हुई, वहीं 9 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे इलाके में कई आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक 8 सितंबर की देर रात कुछ नाबालिग बच्चे ऑटो में बैठकर आए और उन्होंने पंडाल पर पथराव किया था, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपियों के घर वाले सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन करने पहुंच गए। दूसरी तरफ इस पथराव के खिलाफ भी लोग जमा हो गए और दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इलाके में देर रात तक जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस मामले में 28 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरी घटना कैसे शुरू हुई और इसके पीछे अराजक तत्व कौन है, इसकी जांच में क्या निकल कर आया, इस बारे में सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। जिस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किया गया है पंडाल पर पथराव के लिए, उसके बाद पुलिस चौकी के बाहर भीड़ इकट्ठा होती है, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स होती है, उस वक्त भी पथराव, ये मकसद कुछ निकल कर सामने आया इन्वेस्टिगेशन में? ये जो पहली घटना बनी थी, एक गणेश पंडाल पे 6 माइनर बच्चों ने पत्थर मारा था। उस पत्थर मारने के बाद वहाँ पे जो बंदोबस्त पुलिस थी, तुरंत बच्चों को पकड़ के वहाँ से सैयदपुरा चौकी पर लाई। चौकी पे फिर ये फरियाद, इनके FIR लेने की कामगिरी चल रही थी। उसी समय जो है कुछ अपने रजवाद करने के लिए एक कुछ लोग आए, काफ़ी करीब 100-200 की संख्या में। फिर उसके बाद रजवाद चल रही थी, उसके सामने ही विस्तार है, चूँकि पूरा मुस्लिम विस्तार है, वहाँ से पत्थर मारा हुआ। पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस जो पत्थर से थोड़ा पुलिस हमारे अधिकारी जवानों को भी इंजरी हुई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लाठी चार्ज किया और टीयर गैस छोड़ के उनको भगाया और सातों साथ अंदर घुस के उसमें बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा तुरंत। और फिर बाद में हमारे CCTV फुटेज के हिसाब से और अलग अलग जिनको वीडियोज मिले उसके हिसाब से कॉम्बिंग करके टोटल कुल 28 जितने आरोपियों को रात को ही कल पकड़ा गया है। और उसमें इस समग्र घटना में ये जो स्टार्टिंग हुई, जो माइनर्स 6 बच्चे थे, वहाँ से स्टार्टिंग किया गया। और ये बच्चे ने जानबूझ के मारा था, तो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन में ये चल रहा है कि इनके पीछे कौन ऐसा था जिसने, किसी ने इनको उसकेरा था या इनको कुछ थोड़ा सा भड़काया था कि इस तरह करने के लिए, या इन लोगों ने खुद अपने से किया, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। FIR उनके विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध में दर्ज की गई है, 6 बच्चों के विरुद्ध में। दूसरे FIR जो मॉब था जिसने पत्थर मारा किया, उसके विरुद्ध में IPC 3 जूना अभी BNS सेक्शन में, लेकिन पहले का जो जान चली जाए उस तरह से अटेम्प्ट करना, 307 जो पहले होता था, वो जो हम लोगों ने गुना दाखिल किया और पुलिस पे असॉल्ट और पब्लिक को भी इंजरी का जो है, तो उसमें 28 जितने आरोपी पकड़े हैं। और तीसरा गुना ऐसे था कि कोई दो कार को ब्रिज के नीचे थे वहाँ पर जलाया गया और दो कांच कार तोड़े गए। इन तीन गुनाहों में अभी तक हम लोगों ने 6 माइनर्स के ऊपर जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रमाण है, हम लोगों ने उनको जो कार्रवाई होती है वो करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। और 28 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया, उनके लिए हम लोग रिमांड लेके कि कितने और लोग इसमें शामिल थे जो है, किस तरह से उनकी प्लानिंग हुई, कब इन्होंने प्लान किया, वो उस तरह उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके हम लोग रिमांड लेकर आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी 28 लोग हमारे पास है। इस घटना में बच्चों को क्यों शामिल किया गया, इस बारे में पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया है, ये भी जान लीजिए। बच्चों को भड़काने वालों का भी कुछ खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार ये मानसिकता किसकी थी, ये विचारधारा किसकी थी? ये अभी उसका हम लोग इंट्रोगेशन सभी का चल रहा था और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं जो है कि जो हमारे उस एड के हिसाब से जो काउंसलिंग करके भी इसका पीछे मकसद क्या था और क्यों किया और किसने करवाया जो है, तो उसको भी हम लोग जाने, क्योंकि इस तरह घटनाएं भूतकाल में बनी, जब छोटे बच्चे ने कभी मारा और उसके बाद जो तुरंत कम्प्रोमाइज हो गया कि भाई छोटे बच्चे हैं, उसमें भूल से हो गया, लेकिन इस घटना में भूल नहीं हुई है, जानबूझ के मारा गया है जो इसमें। सर एक बात ये भी सामने आई है कि 2-3 दिन से लगातार कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही थी, उसके बाद शिकायत दी गई थी, पुलिस बंदोबस्त वहां लगाया गया था और पुलिस के सामने ये घटना हुई है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये जो लड़का था, इससे 2 दिन पहले एक प्लास्टिक का जो पॉलीथीन होती है उसका करके जो मंडप के पीछे, हाँ, वो उस तरह से फेंका था, क्योंकि इसके पास में एक मस्जिद है। अभी ये नियाज चल रहा है, जो ईद का त्यौहार है 16 तारीख को, तो नियाज जब चलता है तो शाम को ये लोग सारे लोग जो नियाज लेने के लिए जाते हैं, तो ये बच्चे भी उस मस्जिद में रोज जाते हैं लेने के लिए, तो
तो वहां से लेके निकलते समय दो दिन पहले भी जिनके हाथ पॉलीथिन था वो भी उसने मंडप के पीछे फेंका था। तो उस समय जो मंडप के पीछे फेंका था तो अपने को ये मंडप वालों ने बताया था, इसीलिए वहां पर ऑलरेडी पुलिस का बंदोबस्त था, इसीलिए जैसे ही वहां से भागे और तुरंत इनको पकड़ लिया गया। वहां पर डिप्लॉयड थे, पुलिस डिप्लॉयड थे, लेकिन जब बच्चे निकले जिनको लगा हम बच्चे हमको कौन देखेगा, इतने सारे लोग नियाज करके निकले हैं, उसमें जो था चलते चलते फेंका जो है, तो इमिडिएटली ऑटो रिक्शा को पकड़ा गया जिसमें से 6 लोग वहीं ऑन द स्पॉट पकड़ लिए गए। तो ऑलरेडी वहां से बंदोबस्त था, उससे पहले प्लास्टिक का वो फेंका गया था पाउच करके। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया है कि यदि यह सोची समझी साजिश है तो इसकी जांच चल रही है और सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। सोची समझी साजिश लग रही है सर, क्योंकि बच्चों पर नजर किसी की पड़ेगी नहीं, पुलिस भी होगी तब भी इतना ध्यान कोई देगा नहीं, लगता है कि कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड सूरत का ही इसके पीछे है। जनरली बच्चों को जहां तक आता है उसमें सब एक मर्यादा हो जाती है हमारे कायदा कानून की भी, और ये कुछ लोग को बताया भी जाता है कि भाई बच्चे कुछ करेंगे तो ज़्यादा कुछ ऐड के प्रमाण ज़्यादा इनके विरुद्ध में कुछ कार्रवाई नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग पूरी जो टीम है, जो क्राइम ब्रांच की टीम, इसको इंट्रोगेट कर रही है सभी को, और सभी से जो अलग अलग जो मेन आरोपी जो 28 पकड़े गए उनका इंट्रोगेशन चल रहा है, और बाकी जो भी जितने भी इसमें हमारे कड़ियाँ जोड़ के यही हम जानने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है जो बैठ के जो दूरी संचार कर रहा है। पथराव कर घर में छुप जाना, बाहर ताला लगा देना, उसके बाद ये दिखाना कि हम तो घर के अंदर ही थे, आप लोग जबरन अरेस्ट कर रहे हैं हमें, ये जहाँ से पत्थर मारा हो रहे थे वो घर ऑलरेडी हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे, क्योंकि हमारे कुछ ऑफिसर्स को भी चोट लगी थी, उन्होंने देखा था किस घर से पत्थर आ रहे थे। तो वो जैसे भी पुलिस की पूरी टीम जब नीचे उन्होंने पेट्रोलिंग काउंटन करना चालू किया तो ये लोग भाग नहीं पाए घरों से, लेकिन अंदर से ताला बंद कर दिया, कुछ लोगों ने बाहर से भी ताला बंद करा दिया। 3-4 स्टोरी घर थे, लेकिन अपने को पहले चूंकि वहीं से पत्थर आए हुए हैं, सब पुलिस भी विटनेस ही थी, तो जब उसमें हम लोग घुसे खुलवा के कुछ खोल के घुसे तो सभी अपने घरों में छुपे हुए नीचे से कोई पर्दे के पीछे पूरे चुपचाप छुपे हुए वहीं से मिल गए। तो ये जो बाद में पत्थर मारा गया ये तो एकदम प्री प्लान ढंग से उन्होंने मार के अपने आप को कैसे बंद करके रखा था कि जिससे पुलिस को लगे कि ये कोई रहता नहीं इस घर में जो है। तो ऐसे ही हम लोग को जो है कुछ जगह से मिले पत्थर मारते हुए और कॉम्बिंग करके हम लोग ऐसे 20 लोग को लाए, और अंदर से जो करंट जो पत्थर मारा चल रहा उसमें 7-8 लोग को लाए जो है। जहाँ तक ये आपको जैसे बताया कि जो FIR तीनों FIR हुई हैं उसमें जो बच्चों के विरुद्ध में किया गया है, तो वो फर्दर जो इंट्रोगेशन में ये है कि इन लोगों ने किस ढंग से ये दो दिन से पहले भी किए थे और अभी कर रहे, तो कितना लाइटली इस चीज़ को ये लेके कर रहे थे, और अगर ये पुलिस ने वहाँ पे नहीं पकड़ा होता तुरंत तो ये जाके कहीं और भी करते ये, क्योंकि इनको मन में एक ऐसा आ गया कि अपना हम तो बच्चे करते जाओ। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि इनको करने वाला कौन था, जो कि अपने सूरत शहर जो कि तमाम कौम के लोग मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे सबका बिजनेस एक दूसरे से सारे त्योहारों से चलता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी का एकदम डिपेंडेंट है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि इस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। अनुपम सिंह गहलोत ने यह भी बताया कि हम ड्रोन की सहायता से इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर घरों में पत्थर कहां से पहुंचे। अभी के हालात की बात करें तो सैयदपुरा में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं और माहौल फिलहाल शांत है।